तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आप लोगों के साथ में। तो भाई सूरज देखो कितना तेज़ हुआ, किधर है सूरज, किधर है? ऊपर कहीं पे है भाई 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 साहब, लेकिन उनको छोड़ो, पड़ा ही देखो भाई कॉकटेल, माशाल्लाह कॉकटेल देखो। एक ये है, एक ऊपर बैठा हुआ है, ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है, इंशाल्लाह ब्रीड भी कर देंगे। बकाया देखो यार ये सारे पौधे पड़े हुए हैं, ये मतलब इन्होंने नया पिंजरा बाय किया है। गर्म है पे यार, अरे बड़ा मजे का पिंजरा लग रहा है, ये इतना बड़ा जॉइंट पिंजरा ये इन्होंने लिया है रॉ पैरेट्स के लिए, तो मज़े की चीज़ है, मैं भी लूँगा इंशाल्लाह। बकाया देखो केले शेले लगे हुए हैं, ये स्पटर प्लांट्स लगे हुए हैं, बड़ी मज़े मजे की चीज़ें लगाई हुई यार लवे ने, माशाल्लाह। अब लवे भी आ गए, हे बॉय। पानी वगैरह बढ़ गया, फिल्टर लगे हैं देखते हो। तो फाइनली हम जो है ना जुम्मा शुमा पढ़ रहे थे, और जुम्मा पढ़ने गए भाई, पहले हमने पढ़ना जुम्मा पौने एक वाला, लेकिन भाई वो हम फिर नहाने चले, पहले नहाना था हमने क्योंकि जुम्मा है तो फिर नहाना बनता है, नहा धो के फिर भाई हम फ्री हुए, तो भाई सवा एक हुआ था, फिर हम गए भाई जुम्मा पढ़ने के लिए डेढ़ बजे वाला जुम्मा पढ़ा हमने। फिर अभी टाइम हो रहा है हमारा जी साइड 2:30 बज रहे हैं तकरीबन, तो अभी जो है हम चलते हैं कहीं पे घूमने छूमने, मछलियाँ वगैरह देखते हैं। मैंने मछलियाँ पर देखी, बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी, तो मछलियाँ भी देखते हैं, मगर मिलती हैं तो मैं अपने लिए बाय करूँगा साथ में इंशाल्लाह भाई। ईद के करीब जो है ना, ईद के कुछ दिन बाद मेरे पास ना कुछ पैरट्स वगैरह भी आएंगे इंशाल्लाह, वो ग्रीन पैरट नहीं होंगे, इस तरह के कॉकटेल होंगे, और मैं पिंजरा भी अरेंज करना है, ग्रीन नेट भी अरेंज करनी है भाई, रोले बड़े ही हैं, काम बड़े हैं और पैसे कम हैं, समझ रहे हैं ना आप, देख लेते हैं अभी क्या बनता है नीचे में। तो चलते हैं अभी यार, हम इंजॉय करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करो, मेरे व्लॉग देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बात है, फैसलाबाद के जो रोड है ना साफ साफ होते हैं, वगैरह किस कॉलेज है वो देखो, और साथ में वो दिख रहा है ब्लू मॉस्क, कितनी मज़े की पेड़ लग रही है ब्लू मॉस्क। बकाया अभी मतलब गए हैं बैंक में, आते हैं फिर हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो करते हैं यार अभी लेके आते हैं फिशेज वगैरह, देखते हैं कहाँ मिलेंगे हमें। विजिट कर रहे हैं पूरे बाज़ार इनके, अलग है जुम्मा है तो बाज़ार बंद है, लेकिन भाई देख लो सिर्फ हमें भी घंटा का है फैसलाबाद का यार भाई। तो अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी सी इसमें से ड्रोन शॉट, देखना और इन्जॉय करना यार। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, वैसे तो मैंने यह पीछे है ना वीडियो के बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मैंने बोला है, वैसे मतलब जब मैं व्लॉग बना रहा था मैंने बोला था काफ़ी, लेकिन यार उसमें ना फ़ायदा नहीं हुआ बोलने का, वो कुछ तो ही आवाज़ें थी इतनी, और पीछे से माशाल्लाह जुम्मे का सलाम हो रहा था तो इतना आवाज के समय नहीं बाहर डाली है, जो मार्केट है ना तोते कबूतर बिल्लियाँ बतखें फ्लावर्स फिंचेस हर चीज़ पे, मछलियाँ भी इसके अंदर ही हैं भाई, हर चीज़ दाना भी मुर्गियों का हर चीज़, मैं कहता हूँ यार बहुत लेवल ही, देखो मछलियाँ वगैरह के हम शॉप पे आ गए हैं भाई, अन्य वाह हर चीज़ है भाई।
मार्केट है ना वो तो खुली हुई है, लेकिन इसके अंदर जो है ना जो मछलियाँ हमें चाहिए छोटी छोटी मछलियाँ वो नहीं है इसके अंदर यार, मसला ये है। बकाया बिल्लियाँ चीज़ें देख लो यार आप लोग, जितनी मजे मजे की बिल्लियाँ हैं यार, पर्शियन कैट्स वगैरह, वो भाई डेविल कैट है, डेविल कैट, लेकिन लड़ाई हुई है इसके बाद दो आड़ेगी। इसको क्रॉस किसने लगाया भाई? भाई जो है ना मैंने क्या क्या कहा था, मैंने बाज़ार बंद है तो देख लो बाज़ार बंद है साड़ा, ठीक है। और वैसे नए दोबारा दूसरे बाज़ार में आए हैं हम, इसके टोटल आठ बाज़ार है इसके, है ना भाई, इसके आठ बाज़ार हैं टोटल भाई, और ये दूसरा बाज़ार है, और सारे बाज़ार ही बड़े 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 हैं भाई, खुले खुले बाज़ार है। हमारा शेरपुर का सिर्फ एक बाज़ार है, क्योंकि शहर भी छोटा था ना हमारा शेरपुर, तो यार बाज़ार भी छोटा ही है इसका। गर्मी इतनी थी ना कि देख सकते हो यार, फिर हमने कहा रोह पीते हैं भाई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿੜਨ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਫਿੜਨ ਆ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਫਿੜਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਪਲਾਵੇ ਕੇ ਸਾਥ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਾ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਬਾਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, उसमें भी इंशाल्लाह बड़ा मज़ा है। मैं भी जो है ना अभी दो तीन लोग इकट्ठे कर लिए हैं, एडिट करके इकट्ठे ही पोस्ट करना, देखना जरा यार, और इंशाल्लाह भाई मज़े आएंगे पूरा जो है ना यार। ये बहुत बड़ा फैसलाबाद है, और इसके अंदर ना बाजार भी बहुत हैं, फिरने की जगहें बहुत हैं, और मैं कहता हूँ यार जहाँ जो है ना बस आप लोगों को कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाएगा। तो ये जी आगे हमारे पास जर्मन शेफर्ड भाई को स्पेशल बुलाया हमने कि भाई अब हमें दिखाओ जर्मन शेफर्ड में व्लॉग बनाना है। नाम क्या है इसका? टैक्सी 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 जी फीमेल है ले जाओ उसे। क्या है जो इसकी? 4 ईयर। तो फाइनली भाई हमारे हाथ में कुत्ती का पुत्र आ चुका है, जिसको कहते हैं तेरे कुत्ती का पुत्र, ये वही कुत्ती का पुत्र है भाई जान, हमारे हाथ में आ चुका है। अब इसे भगाते हैं थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा इसके ले फिरते हैं, वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं इसके साथ, और मजे शेजे करते हैं भाई। इसके मैंने ना स्टेटस भी लगाया था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि भाई क्या सीन है, किसका पकड़ लिया है, तो कुछ शुगल भी लगा रहे थे मेरे साथ बाहर आज भाई, मज़े की चीज़ है। अभी इसने आवाज़ दी बंदे ने भाई, और ये ऐसे भागा जैसे भाई पता नहीं क्या सीन है इसके साथ, मुझे भगा भाई। इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा पावरफुल होता है भाई, बहुत पावरफुल है ये। मतलब भी लेके हैं शिम्स, ये पार्सल है मतलब आपका? ये पार्सल है जी, पार्सल के थ्रू आए हैं ये। अब इसको मैं खुद निकालता हूँ, इनको भी दिखाता आप लोगों को, बल्कि एक मिनट ये मतलब एक एक्वेरियम भी देख लो यार आप लोग, मछलियाँ भी पेड़ पेड़ी मैंने मंगवा ली है मछलियाँ, इस तरह ही मेरे पास भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। और ये जितने प्लांट्स लगे हैं इसके अंदर सारे ओरिजिनल हैं, लाइव प्लांट्स हैं सारे, जिंदा हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। तो श्रिम्प्स निकले हैं भाई, श्रिम्प्स दरअसल ये झींगे हैं, झींगे, और भाई बहुत लेवल की चीज़ है यार ये तो, छोटे छोटे से श्रिम्प्स हैं, और बड़े मज़े के हैं यार। जब ये जाते हैं ना एक्वेरियम में जाते हैं, तो मछलियों के साथ जब फिर रहे होते हैं ना पौधों के अंदर जाके छुपे होते हैं, और अलग ही लुकते होते हैं ये, और ये ऐसे हैं कि यार जब ये खुश होते हैं ना तो अपना कलर भी ये चेंज कर लेते होते हैं, कुछ येलो में हो जाते हैं, कुछ अपना कलर डार्क कर लेते हैं, मतलब कलर की शेड्स जो हैं ना अपने शेड्स हैं वो चेंज कर लेते होते हैं ये। बड़ी मज़े की चीज़ है यार ये, बहुत मज़े की चीज़ है। मैंने भी जो है ना अपना एक्वेरियम बनवा लेना इंशाल्लाह यार, आप लोगों को जो है ना कंटेंट दिखाना, कंटेंट में टटिंग नहीं दिख रही आप लोगों को। तो इंशाल्लाह यार 7-2 मेरे साथ यार, ये है टीडीएस मीटर, जिससे वाटर का जो है ना टेम्परेचर वगैरह चेक करते होते हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई वाटर का टेम्परेचर चेक करके फिर डालना है इसको, साथ में ना वाटर की इम्प्योरिटीज भी इससे चेक होती हैं, वाटर में कितना सॉल्ट वगैरह है, तो सब कुछ इसके अंदर यार इस तरह सीन है। तो डालते हैं अभी इसके अंदर एक्वेरियम में, फिर देखेंगे क्या सीन निकलते हैं इनके। वैसे ही मैंने इसका रिकॉर्ड किया था व्लॉग, लेकिन मेरे से ना क्लिप्स मिसप्लेस हो गई हैं, कि तोता से यार इसने अपने ना जाली के अंदर मिला के ना अपनी टांग अटका के तो टांग तोड़ ली इसने यार। अब इसकी टांग पे शहद वगैरह लगाया है, तो साथ में ना इसकी हम तीली लगाएंगे, तीलियाँ लगा के ना तो उसके ऊपर टेप लगा के, तो इसकी जो है ना टांग इंशाल्लाह 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 भाई जो है ना सही हो जाएगी, और सही हो भी गई थी ये बहुत अच्छे तरीके से है ना, ये कवर हो गई थी। मैं तीलियाँ ढूंढ रहा था, तीली वगैरह ढूंढ के ना तो मैंने लगा दिया ब्रेस को फिर, और बेहतर तरीके से यार फिर मैंने इसकी टांग देखो स्वेल भी हुई है, तो हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह यार। ये भी दुआ करना साथ दो पॉइंट्स में ना। ये देखो जी ये जो है ना हमने तोते का ऑपरेशन कर दिया जी,
सोते ही ये टांग टूट गई थी, तो इसके है ना यहाँ पे बैंडेज वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिया है। और मुश्किल से ही है, लेकिन कोई बात नहीं यार, दिला इसको तो मिट्टी दे, शोर बहुत है इनका। क्या मसला है अपना ख्याल रखना।